पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। मैंने भी पिछले लाहौर में जो भी जलसा हमारा हुआ है उसमें मैंने अपना कहा था, तो मैंने कहा कि अगर 1990 का मोमेंटम जारी रहता जो हमने शुरू किया था 1990 में, सब दाएं बाएं जो मेरे बैठे हुए हैं हजरात, ये सब जो वाकिफ है इस बात से वाकिफ है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं चल साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया, तो बहुत आगे चले गए होते। लेकिन देखें ना, अफसोस की बात है कि हम अपनी जो है ना वो यहाँ पर अपनी बुनियादी उलझनों में फंसे हुए हैं, बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। एक एक बिलियन डॉलर के लिए हम दूसरे मुल्कों को आज जाके भीख मांग रहे हैं। लोगों को ये समझाने की बात है, जरूरी है कि समझाया जाए कि किसके दौर में ये काम शुरू हुआ है। ये पिछले दौर में काम शुरू हुआ, हमने तो 104 रुपए के पे कैप कर दिया था डॉलर को, बांध दिया था डॉलर को, हिलने नहीं दिया हमने 104 से। आप सब जानते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट भी आदमी से कहीं करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्री है आपकी। 5.8% हमारा GDP ग्रोथ रेट था। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान IMF के बाद और अब दोबारा, IMF खुद का कि पाकिस्तान जो है ना बहुत जल्दी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और उसको हमें जवाब की जरूरत नहीं रहेगी, और हमने इसको खुदा हाफिज कहा।